हेलो गाइस, माय नेम इज प्रिंस कुमार शाह। आप देख रहे हैं कॉलेज सब कुछ। इस वीडियो में मैं आपको बर्दवान मेडिकल कॉलेज का सब इन्फॉर्मेशन दूंगा। फी, हॉस्टल, फूड, कैंपस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लेग्राउंड्स, लेक्चर थिएटर एंड लाइब्रेरी, वेदर, ये सब के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं बर्दवान मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इसका गाइस जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1969 में हुआ था, तो उस हिसाब से ये काफ़ी पुराना कॉलेज है। 50 साल कॉलेज का हो गया है। तो यहाँ पे जो पेशेंट लोड है वो भी बहुत अच्छा है, तो आपको बहुत सारा वैरायटी ऑफ केसेस देखने को मिल सकता है और अच्छा खासा आपको डेवलपमेंट और बाकी चीज़ देखने को मिल जाएगा, बाकी प्रोफेसर एंड ऑल। और गाइस आप ये देख सकते हो, ये हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है। अब काफ़ी अच्छा व्यू है और काफ़ी अच्छा पेंटेड है, तो देखने में तो अच्छा है। अब हम लोग बात करते हैं फीस के बारे में। तो गाइस फीस ज़्यादा नहीं है, ये वेस्ट बंगाल के बाकी गवर्नमेंट के कॉलेज की तरह इस कॉलेज का भी फीस काफ़ी कम है, जो कि 10,000 ईयरली लगेगा। जैसे कि 4,500 पर सेमेस्टर लगता है, तो आप 9,000 में एक साल में सेमेस्टर फीस हो जाएगा और कुछ एग्जामिनेशन फीस लगते हैं 1-2,000। तो उस हिसाब से आप, मैं बोल सकता हूँ कि 12-13,000 मैक्सिमम फीस आपका ईयरली लगेगा, तो फीस काफ़ी ठीक है। और लोकेशन का आप बात करोगे तो ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर दूर है वर्धमान रेलवे स्टेशन से ये कॉलेज। जैसे कि अगर आप वॉक करके जाओगे तो 25 मिनट लग जाएगा और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओगे तो 10 मिनट लगेगा। तो वैसे तो ज़्यादा दूर है नहीं रेलवे स्टेशन से, लेकिन फिर भी ये कोलकाता से थोड़ा पेरीफेरी में है कॉलेज। तो बाकी जो कोलकाता का जो बोल सकते हो बिजनेस है वो वहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर आप मूड फ्रेश करने के लिए कभी भी कोलकाता आ सकते हो, क्योंकि ये कोलकाता से ज़्यादा दूर है नहीं। और आपको अगर कोलकाता में है तो भी आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। वेदर के बारे में बात करूँ तो ये गर्मियों में काफ़ी गर्म होती है यहाँ पे, और जो विंटर भी है काफ़ी कोल्ड होती है, तो आपको एक्सट्रीम टाइप ऑफ वेदर देखने को मिल सकता है, गर्म में काफ़ी गर्म और ठंड में काफ़ी ठंड। और इसलिए आप कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, जो कि इसका जो एरिया है वो 51 एकड़ में है, जो कि काफ़ी मतलब बड़ा है, बहुत बड़ा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी तक का इंडिया का सबसे बड़ा कैंपस नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में है, जो कि मेरा कॉलेज है। तो उस हिसाब से ये कॉलेज का भी काफ़ी बड़ा साइज़ का, जितना है काफ़ी है, बहुत है। अब गाइस लेक्चर थिएटर के बारे में बात करते हैं। टोटल 6 लेक्चर थिएटर है, 2 सबसे पुराना जो कि बहुत काफ़ी पुराना है, वो लेक्चर थिएटर अराउंड कैपेसिटी है 100-150 स्टूडेंट का कैपेसिटी है। और 2 जो लेक्चर थिएटर है उसका एस्टेब्लिशमेंट 2000 में हुआ था, तो इसका जो कैपेसिटी है 150-200 है। और बाकी जो 2 न्यू लेक्चर थिएटर है ब्रांड न्यू, जिसका जो एस्टेब्लिशमेंट जस्ट 5 साल पहले 2015 में हुआ था, जिसका जो कैपेसिटी है 250-300 है, जो कि काफ़ी बड़ा है, अच्छा है। और लेक्चर थिएटर अब पूरा एसी से इक्विप्ड है और ब्लैक बोर्ड एंड ऑल ये सब तो है, सब कुछ है, और स्लोपिंग रोज है, तो आपको सर से किसी का ठकेगा नहीं बोर्ड। और प्लेग्राउंड में आप बात कर सकते हो, जैसे एक बैडमिंटन कोर्ट है, एक बास्केटबॉल कोर्ट है, एक फुटबॉल ग्राउंड है, या फिर क्रिकेट ग्राउंड भी बोल सकते हो, उसी में फुटबॉल और क्रिकेट होता है एक ग्राउंड में, और फिर एक टेबल टेनिस है। और आप ये देख सकते हो, यही बैडमिंटन कोर्ट है, आप यहाँ पर बैडमिंटन खेल सकते हो। और जिम है गाइस, लेकिन उसका कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छा है नहीं, कैरम बोर्ड एंड ऑल है। और गाइस आप देख सकते हो एक पिक्चर यहाँ पे ये जो है आपको बैडमिंटन कोर्ट देखने को मिल सकता है यहाँ पे। और हॉस्टल का वाइस बात करोगे गाइस तो टोटल स्ट्रेंथ है 200 स्टूडेंट का एडमिशन स्ट्रेंथ है, जो कि गाइस ये डाटा 2020 के हिसाब से है, ये वेरी कर सकता है नेक्स्ट दूसरा ईयर में। बॉयज़ के लिए आप देख सकते हो टोटल 3 बॉयज़ हॉस्टल है, BH1, BH2 एंड BH3। और जो आपको ये 2 पिक्चर्स दिख रहे हैं, यही हॉस्टल है गाइस, तो हॉस्टल काफ़ी ठीक है। जो सभी बॉयज़ हॉस्टल है गाइस वो कैंपस के अंदर है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कैंपस के अंदर है, क्योंकि एक जो गर्ल्स कॉलेज का हॉस्टल है गाइस वो कैंपस के बाहर है। गर्ल्स का भी तीन हॉस्टल है टोटल, लेकिन एक कैंपस के बाहर है और 2 कैंपस के अंदर है। और एक गाइस तो जो बाहर है गर्ल्स का हॉस्टल, वो ज़्यादा दूर भी नहीं है, बस 3 मिनट लगता है जाने में। और गाइस जैसे बताया था मैंने पिछले वीडियो में भी, वेस्ट बंगाल का जो रूम का जो रेंट है वो जो पुराना कॉलेज का वो 12 पर मंथ है पर पर्सन। इलेक्ट्रिसिटी जितना भी गाइस चला सकते हो आप फ्री है। और नंबर ऑफ पर्सन आप देख सकते हो गाइस, फर्स्ट ईयर में आपको 4 रहना पड़ेगा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन गाइस ये नॉर्मल है, ये सभी कॉलेज में 4 ऑलमोस्ट सभी कॉलेज में 4 रहना ही पड़ेगा आपको। और फिर सेकेंड 2 हो जाता है, जो कि बहुत अच्छा बात है। ऑडिटोरियम गाइस, एक ऑडिटोरियम है जो कि अच्छा कैपेसिटी का है 2-250, और ऑडिटोरियम भी अच्छा है। और फैकल्टी में गाइस ऑब्वियसली मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि आप वेस्ट बंगाल का कॉलेज है, तो इसमें कुछ प्रोफेसर आपको मिल जाएंगे जो कि पूरा का पूरा बंगाली में बोलेंगे, लेकिन गाइस कुछ बाकी का जो प्रोफेसर है वो इंग्लिश में ही बोलेंगे, और जो कुछ प्रोफेसर है वो इंग्लिश और बंगाली थोड़ा मिक्स करके बोलेंगे। तो गाइस शुरू में तो आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप बाद में आराम से सीख सकते हो बंगाली, और उसके बाद फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फूड में आप देख सकते हो गाइस कि मंथली बिल जो है वो अगर सिर्फ आप वेज खाओगे तो 1600 पड़ेगा एक मंथ का,
और बाकी के जो अगर आप जैसे ही चिकन फिश ये सब लोगे तो वो एड ऑन चार्ज आएगा, एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। बाकी आप अगर सिर्फ लंच और डिनर में आप खा रहे हो पर डे तो एक महीना का 1600 बिल आएगा। हॉस्पिटल गाइस, आप क्योंकि ये पुराना हॉस्पिटल है तो ये काफ़ी अच्छा पेशेंट लोड इसमें होता है, तो आपको वैरायटी ऑफ केसेस देखने को मिल सकता है। इंटर्नशिप में आपको बहुत सारा नॉलेज और जो एक्सपीरियंस अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो सकता है। तो और गाइस ये पूरा इक्विप्ड है, बहुत सारा सब मशीन जितना भी होता है नेसेसरी मशीन है, सब चीज़ से इक्विप्ड है, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। MRI CT स्कैन एंड ऑल दैट और USG एंड ऑल दैट एक्सरे ऑल दैट एंड नियर बाई प्लेसेस देख सकते हो गाइस। ये रेस्टोरेंट्स है कुछ जो कि आप हैंग आउट करने जा सकते हो बर्थडे में और या फिर एग्ज़ाम बाद और या फिर कभी क्रेविंग हो रहा हो आपको खाने का इसलिए, तो सेकंड वाइफ सीसी कैफ़े कॉफ़ी डे 1, कैफ़े कॉफ़ी डे 2 एंड अड्डा ये सब जा सकते हो। और गाइस क्योंकि बाद और बाकी सामने भी आसपास काफ़ी घूमने का प्लेस है, जैसे कि कुर्जोन गेट एंड सर्वमंगला साइंस सेंटर जू एंड मैनी मोर। तो गाइस ये रहा वर्धमान मेडिकल कॉलेज का इन्फॉर्मेशन। तो मेरे हिसाब से गाइस कॉलेज तो काफ़ी अच्छा है, इसमें रहने के लिए भी आपको परेशानी नहीं होगा और इसमें खेलने के लिए भी काफ़ी कुछ है और पेशेंट कैपेसिटी भी बहुत अच्छा है। तो गाइस मुझे तो बहुत अच्छा लगा पर्सनली ये कॉलेज, और आप बताइए गाइस आपको कैसा लगा ये कॉलेज और वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और मेरा इसी ऐसा ही बाकी कॉलेज के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।